अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजिक चैनल में आप सबको खुश आमदी। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए आपने लेना है चिकन बोनलेस, और बोनलेस चिकन मैं इसका उतार लूँगी और उसके बाद मैं इसको जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में कट कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी आपके पास इजीली पहुँच सके। एक अदद लेनी है आपने प्याज, उसको छोटा छोटा चॉप कर लेना है स्लाइसेस की शेप में। आप इसको अच्छा सा जो है वो चॉप कर लें, दरमियानी साइज की प्याज लेनी है। देन उसके बाद आपने जो है वो एक अदद लेनी है शिमला मिर्च, तो आपने इसी तरह साफ करके और स्ट्रिप की सूरत में कट कर लेना है। इस तरह के ये मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। देन कट करने के बाद आपने फ्राई पैन में जो वो कटी हुई बोनलेस चिकन के क्यूब से वो डाल लेने हैं। देन इसमें आपने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालना है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून तीखा मसाला और 1/2 टीस्पून इसमें आपने डाल लेना है गार्लिक पाउडर और 2 टीस्पून इसमें आपने केचप डाल लेना है। तैयार कर लेना है, इसमें देना है उसके बाद आपने लेनी है पिज़्ज़ा ब्रेड। तो मैं आपके सामने एक अदद ले रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड, इसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा के उसको अच्छा सा फैला देना है ऊपर। देन उसके बाद हम इस पर कटी हुई स्लाइस सारी फैला देंगे। देन उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑनियन और उसके बाद हम इस पर जो है वो थोड़ी कटी हुई जो शिमला मिर्च थी वो उसमें से 1/2 इस पर डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इस पर चिकन के जो क्यूब से हमने तैयार कर लिए फिलिंग के लिए वो डाल लिए, और चिकन के क्यूब्स डालने के बाद आपने दोबारा इस पर शिमला मिर्च और चीज़ को स्टेप दोबारा रिपीट करना है। और देन उसके पास अगर आपके पास सॉसेजेस है मौजूद तो वो भी आप इस पर कट करके स्लाइसेस की शेप में डाल सकते हैं, अदरवाइज ना भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपने बटप्पे पर टेबे भी चाह लिया और अब पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए जा रहा है ओवन को। प्री हीट आपने पहले से 10 मिनट्स कर लेना है और ये बेक के लिए पिज़्ज़ा ओवन में रख दिया। देन उसके बाद ये 8 से 12 मिनट में आपका पिज़्ज़ा जो है ये रेडी हो चुका है। तो जैसा कि आपके सामने बहुत अच्छा ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं और पिज़्ज़ा आपके सामने तैयार है। और इसको आप कट कीजिए और खाइए।